अपने देश के अंदर लाखों प्रतिमाएं हर वर्ष मीठे पानी में विसर्जित की जाती हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश के अंदर एक बिठौरा करके गांव है, उस जगह पर फतेहपुर की सारे शहर की दुर्गा प्रतिमाएं वहां पर विसर्जित होने के लिए आती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये प्रतिमाएं नदी में विसर्जित नहीं की जाती, बल्कि इनका भू विसर्जन होता है। ये शुरुआत यहाँ के एक संत स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी ने किया। उन्हें लगा लोगों में अज्ञानता के कारण अपनी ही नदी को प्रदूषित कर रहे हैं आस्था और विश्वास के नाम पर। तो शुरुआत किया था सौ विसर्जन को लेकर के, कि सौ गंगा जी में न डाले जाए। फिर धीरे धीरे पॉलिथीन को लिया, कि पॉलिथीन न डाला जाए, पुष्प है, भस्म है, और तब मूर्ति की बात आई। तो निश्चित ही प्रचार तंत्र में दैनिक जागरण का हमको थोड़ा सहयोग मिल गया। शुरू में कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी उठी, आगे आई, वक्तव्य भी दिया, काम करने के लिए कहा भी, लेकिन पश्चात में जब हमने देखा कि हर चीजें पीछे होती जा रही हैं, दीर्घ काल तक ये माहौल नहीं चल पाएगा, तो हमने इसमें निषाद बिरादरी को और गंगा के किनारे के गाँव के जो संभ्रांत वर्ग, इन दो को पकड़ा। प्रतिवर्ष प्रतिमाएं इन नदियों में विसर्जित की जाती हैं। इन मूर्तियों में मिट्टी के अलावा जहरीले रासायनिक पदार्थ, पेंट, लोहा आदि इन मूर्तियों में लगा होता है, जो पानी को जहरीला बनाते हैं। इन नदियों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। और मूर्तियां फटी रहती हैं, गंगा जब सूख जाती हैं तो फंटियां, बांस की फंटी, सब चीजें इतनी रह जाती हैं, वो पैरों में लगती हैं, यात्री परेशान हो जाते हैं। अभी वर्तमान में जनता मतलब पूरा यहाँ के साथ दे रही है मूर्ति विसर्जन? हाँ, हमको करीब 60% जनता साथ दे रही है। आज की स्थिति में 60% तक आ गई है, शनै शनै करके उन वैचारिक ढंग से वो सभी लोग स्वीकारते जा रहे हैं कि नहीं, ये ठीक है। हमारे देश की नदियों का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है और इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इन नदियों का पानी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगर हम नहीं सचेत हैं तो आने वाले दिनों में पानी के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। मैं इलाहाबाद से अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए।